दिल्ली के सबसे चटपटे छोले कुलचों की बात की जाएगी तो सियाराम छोले कुलचे वाले का नाम सबसे ऊपर आएगा, जहां 32 मसालों की खुशबू में घुटी हुई मटर, मक्खन और हरी धनिये में लिपटे हुए कुलचों के साथ परोसा जाता है। और अगर आपने अभी तक इस 64 साल पुराने छोले कुलचों का चटकारा नहीं लिया तो दोस्त, खुद को अभी दिल्ली का चटोरा कहिएगा भी नहीं। जब मूलचंद पराठे वाले पे शूट करने की इजाज़त नहीं मिली तो हमने वहीं से ऑटो किया और फिर से वापस निकल पड़े लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट की ओर। साउथ दिल्ली के इस इलाके लाजपत नगर का नाम स्वतंत्रता सेनानी लायन ऑफ पंजाब लाला लाजपत राय के नाम से पड़ा, जिन्होंने 1906 से 1918 तक बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल के साथ मिलकर स्वदेशी आंदोलन की मुहिम छेड़ी थी। शायद उसी का नतीजा है कि आज सियाराम के छोले कुलचों का स्वदेशी जायका 64 साल बाद भी लाजपत नगर के विदेशी जायकों पे भारी पड़ता है। कुछ कदम मैंने अंदर बढ़ाए तो लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट के बीचों बीच इस प्याव वाले पार्क की दीवार और जमीन से जुड़ी हुई एक नायाब बेनाम सी छोटी सी दुकान थी, और ये चटोरों की भीड़ से घिरी हुई दुकान ही हमारी आज की मंजिल सियाराम छोले कुलचे वाले है। मसाला मीडियम। सुबह के 11 बजे गर्मी और दुकान दोनों ही उरूज पे आ चुके थे। मैंने भी मंजर का लुत्फ लेने के लिए इस हरी पीली बेंच का सहारा लिया। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कौन हूँ तो मैं हूँ कौस बजाज, इस कहानी का सूत्रधार। इस जगह पे भीड़ देख करके पूरी तरीके से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जगह कितनी ज्यादा मशहूर है। और लाजपत नगर में किसी से भी अगर आप पूछेंगे इनका लैंडमार्क, तो आपको कोई भी गाइड कर देगा सियाराम छोले कुलचे वाले के पास। यहाँ कपड़ों की दुकानों की निगेवानी में मसालों से टकराती धूप बत्ती की खुशबू के बीच चार नौजवानों की टोली छोटे छोटे स्टूलों पे बैठे छोले कुलचों में बड़ा जादू पैदा कर रहे थे। भीड़ बढ़ते ही सियाराम के चारों जादूगरों के कर्तव्य भी अब तेज होने लगे। दो खाने करें। बेहद साफ सुथरी सी इस दुकान की बीचों बीच सुलगते हुए कोयलों की अंगीठी पे एक एल्युमिनियम का बड़ा सा भगोना चढ़ा हुआ था, जो सुनहरे नमकीन मटर के मखमली गुच्छों से हरी धनिया की एक परत के नीचे गर्दन तक ठसा ठस भरा हुआ था। और इसी भगोने के पीछे जूट के बोरे पे बैठे इस पहले जादूगर ने बड़ी रफ्तार से इन सोने के गुच्छों को काट के एक छोटे स्टील के भगोने में निकाला और उसमें अंदाजे से नपा हुआ नमक और सियाराम जी के 32 मसालों का जादू ऊपर से बरसाया। फिर एक गहरे चम्मच से उलझते हुए आम की खट्टी चटनी और एक मुट्ठी कुतरी हुई हरी धनिया और अदरक डाल के भगोने को तिरछा कर फेंटना शुरू कर दिया। सब कुछ मिलते ही धूप बत्ती की खुशबू को चीरते हुए मसालों की क्या जबरदस्त खुशबू आई, और तैयार होते ही एल्युमिनियम फॉइल की कटोरियों को छोलों से भरना शुरू कर दिया। तीन घंटे ना फिर? फिर ऊपर से प्याज के छल्लों का एक गुच्छा चढ़ा के प्लेट को सीधे हाथ पे बैठे इस टोली के दूसरे कारीगर की तरफ जैसे ही बढ़ाई, उसने बड़ी नजाकत से एक मसालों में लिपटी हुई हरी मिर्च और एक कतला आम का अचार ऊपर से टिका दिया। इस दूसरे कारीगर की पूरी जिम्मेदारी इस झोले में भरी हुई हरी धनिया से लेके प्याज के बैगनी छल्लों की थी, जो अचार भी परोसता और नींबू को एक से दो भी करता, साथ ही साथ वाटर कूलर में भरा गाढ़ा बूंदी और पुदीने का रायता भी परोसता। दिल्ली में छोले कुलचे सब जगह बहुत ज्यादा कॉमन है, बट अगर हम कहेंगे कि इनकी सबसे ज्यादा खास बात क्या है, तो इनके छोले कुलचों में ये कहेंगे कि हरे रंग का थोड़ा सा बढ़कर के इस्तेमाल है, धनिये का ज्यादा इस्तेमाल ये करते हैं। इनका जो हरी मिर्च का अचार है देखने में ही बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। कुलचे पूरी तरीके से दोनों तरफ से सेक करके कुरकुरे करते हैं, उस पर भी धनिया डालते हैं। और उल्टे हाथ पे कोयलों पे रखे एल्युमिनियम के तवे के पीछे जोड़ी में बैठे थे ये तीसरे और चौथे कारीगर। चन्नू तीन ले लीजिए। और जी आपको सामान पूरा देंगे। जो तालमेल में इस तवे पे दर्जनों कुलचे एक साथ सेक रहे थे, जैसे ही कुलचों की ऊपरी परत से सोनी खुशबू उठनी शुरू हुई, चौथे कारीगर ने एक ब्रश से अमूल मक्खन का सुनहरा रंग हर कुलचे पे चढ़ा दिया।
और उलटते पलटते कुलचों को सुर्ख करते हुए पूरा तवा हरे धनिए की पत्तियों से भर दिया। जैसे ही छोलों की तैयार प्लेटें तीसरे कारीगर तक पहुंचती, वो तवे से मक्खन और धनिए में लिपटे हुए कुलचों के एक जोड़े के साथ परोस देता और साथ ही साथ पैकिंग के थैले भी तैयार कर आगे बढ़ा देता। ये पूरा सिलसिला मेरी आंखों के सामने बगैर थमे बड़ी रफ्तार से चल रहा था। मैं मंजर का लुत्फ ले ही रहा था कि सियाराम जी के पुत्र और सियाराम छोले कुलचे की इस जादूगरी के असल शहंशाह ओमकार जी ने बड़ी आस्था से अपनी गद्दी संभाली। 62 साल बताया मुझे यहाँ की, 62 साल हो गया। 1956 से हैं। 1956 से आपके पिताजी, मेरे ख्याल पिताजी थे, उसके बाद में हम लगाते हैं। और लाजपत नगर में यही जगह नहीं, पहले अंदर लगाते थे, पहले मतलब ये पार्क नहीं था, पहले अंदर लगाते थे। 10-12 साल से पार्क बना दिया, फिर अंदर यहाँ पे। सन 1956 में सियाराम जी अपना नसीब बदलने अलीगढ़ से दिल्ली आए। गरीबी की हालात में जोड़ बटोर के अपने 32 मसालों का हुनर इसी लाजपत नगर मार्केट के एक कोने से परोसना शुरू किया। वक्त के साथ उनकी मेहनत रंग लाई और उनका नसीब ऐसा फिरा कि 1982 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ज्ञानी जैल सिंह द्वारा सीताराम दीवान चंद और सियाराम छोले कुलचे को दिल्लीज बेस्ट स्ट्रीट फूड के खिताब से नवाजा गया। और ओमकार जी ने उस शान को आज भी अपने बेटे और परिवार समान 10 लड़कों के साथ 64 साल बाद भी बरकरार रखा है। जब ओमकार जी ने गद्दी संभाली तो भीड़ भी दोगुनी हो चुकी थी और हर स्टूल पे दुगनी रफ्तार से अब दो कारीगर बिना रुके मोर्चा संभाले हुए थे। घंटे भर भी नहीं हुए थे कि छोले खत्म होने को थे, तो फौरन ही ताजे मखमली सुनहरे मटर के गुच्छों से भगोना फिर से भर दिया गया। अपने हुनर का मुजाहरा करते हुए ओमकार जी ने बड़े फख्र से अपने इस चटपटे जादू से भीड़ को सम्मोहित करना शुरू कर दिया और छोले और मसालों को दुगनी रफ्तार से ऑर्डर के हिसाब से फेंट फेंट के परोसते रहे। कहीं पैकिंग की आवाज आती तो कोई कहता भैया तेज मसाले वाली, और दोबारा दोहराने से पहले ही तैयार प्लेटें ग्राहकों के हाथ में होती। प्लेट हथेली पे पड़ती ही थी कि लोग जायके में फौरन लीन हो जाते। लोगों के चेहरों की खुशी देख मेरा भी सब्र अब जवाब देने लगा। मसाला तेज रखिए। मेरी तेज मसालों वाली इस प्लेट में ओमकार जी ने तैयार छोलों पे अपनी पुश्तैनी विरासत का एक चम्मच भर के डाला। हरी धनिया और प्याज के साथ एक आधा नींबू का टुकड़ा और आखिर में एक आंख मीचने को मजबूर करता आम और मिर्च का अचार रख के प्लेट मेरे हाथ में थमा दी और साथ में परोसे गर्मा गर्म मक्खन और धनिए के पत्तों से लिपटे हुए दो सोने कुलचे। प्लेट हाथ में आते ही सीधे मैंने 2-3 चम्मच छोलों को ऐसे ही चखा। वाह वाह वाह, बहुत ही चटपटा और जबरदस्त। कुलचे के साथ टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। बहुत ही अच्छा लगता है। मोहब्बत ना कल ज्यादा डाल दी। ये आम का चार है। जबरदस्त। ओहो, बहुत ही जबरदस्त है यार। खटास और जो सौंफ मंगरेल और जो मसाले हैं बाकी जो इन्होंने डाले हैं इसमें, ये मिर्च और आम। जबान पे मसालों की अटखेलियों को मध्यम करने के लिए मैंने बूंदी के रायते का एक ग्लास लिया। वाह, हर घूट रूह तक पहुंच रहा है। दही बिल्कुल फ्रेश है, बूंदी पड़ी हुई है, जीरे का तड़का लगा हुआ है इसमें। ओहो, अब मैं ये बात तो यकीन से कह सकता हूँ कि ये दिल्ली के सबसे बेहतरीन छोले कुलचों में से एक है। मिलते हैं आपसे लाजपत नगर के एक और नायाब और अनोखे जायके के साथ, लेकिन अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सत श्री अकाल, सलामस्ते।
और जिस शख्स की सबसे ज्यादा मुस्कुराती हुई शक्ल हो समझ लेना वही हबीबुल्लाह भाई हैं।